गौरव प्रतिष्ठान नागपुर की ओर से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती और शिक्षक दिन के अवसर पर हनुमान नगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हिंदी माध्यमिक स्कूल के सभागृह में मनपा के 7 शिक्षकों का सत्कार समारंभ लिया गया। इस मौके पर शहर के महानुभाव एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में मौजूद थे। पेश है संवाददाता संजय मीरे, इनके ग्राउंड रिपोर्ट। कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और इसी चरितार्थ इस कहावत को चरितार्थ बनाने के लिए कई ऐसे शहर के अध्यापक अध्यापिका है जो रोज़ाना विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देते हैं, जिसके चलते विद्यार्थियों का जीवन संवर्धित होता है और वे अच्छा मुकाम भी पाते हैं। लेकिन ऐसे विद्यार्थियों को बनाने के लिए जिनके पीछे जो कड़ी मेहनत लेते हैं, ऐसे शिक्षकों का भी सत्कार होना लाजमी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान की ओर से आज शहर के 7 ऐसे शिक्षकों का सत्कार समारंभ का कार्यक्रम लिया गया था। इस समय में हमारे साथ में विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान की संचालिका सचिव और आयोजक प्रगति पाटिल हमारे साथ में आई, उनसे जानना चाहेंगे। प्रगति जी, ये बताएं कि ये कार्यक्रम लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को आज विनम्र अभिवादन करती हूँ। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी को मैं विनम्र अभिवादन करती हूँ, क्योंकि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के कारण ही हम सब महिलाएं इस प्रभाव में, शिक्षण के प्रभाव में आ चुकी है। मैं हमेशा विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान के तरफ से जिला परिषद के या प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों का पुरस्कार लेती थी, उनको पुरस्कृत करती थी, क्योंकि जो बच्चों को एक अंधेरे से लेके प्रकाश तक लेके जाने वाली जो कड़ी है, जो शिक्षकगण है, उनका सत्कार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विद्यार्थियों के मन में भी शिक्षकों का सम्मान होना, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है वो टीवी या मोबाइल के कारण थोड़े भटकते जा रहे हैं। ये संस्कार गुरु और शिष्य, ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और इसको हमें कैसे आगे लेके चलना है, इसके लिए मैंने सोचा कि ये साल मैं महानगर पालिका के शिक्षकों का सत्कार करना चाहती हूँ। क्योंकि महानगर पालिका के शिक्षक लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनको सिर्फ शिक्षण देने का ही काम नहीं, मुझे लगता है कि महानगर पालिका में बहुत सारे काम यहाँ पे वो लोग करते हैं। और देखा है मैंने कि कुछ सालों में, 8-10 सालों में महानगर पालिका का शिक्षण का स्तर भी ऊँचा हुआ है। भले स्कूलों की संख्या कम हुई है, लेकिन जो भी स्कूलें आज चल रही है वो बहुत अच्छी तरह से चल रही है। आज जो शिक्षकों का मैंने सत्कार लिया है वो सभी हमारी महिलाएं शिक्षक की शिक्षिका है, जिन्होंने जिला परिषद में जाकर प्रशिक्षण दिया है और बच्चों को तैयार करते करते सामाजिक दायित्व सामने रखते हुए समाज के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसीलिए मैं महानगर पालिका को प्रमोट करने के लिए, वहाँ के शिक्षकों को प्रमोट करने के लिए, वहाँ के विद्यार्थियों का दर्जा ऊंचा करने के लिए अभी मैंने सोचा है कि हम लोग हर साल विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान नागपुर महानगर पालिका की ओर ध्यान देकर यहाँ के बच्चों को, यहाँ के शिक्षकों को सम्मान से हम आगे लाने का मैंने तय किया है। मैं श्रीमती दीप्ति बिस्ट, नागपुर महानगर पालिका नागपुर से, सुरेंद्रगढ़ माध्यमिक शाला से। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि चाणक्य ने कहा था कि प्रलय और निर्माण ये शिक्षक की गोद में पलते हैं, और वाकई में यदि हम यहाँ पे शिक्षक आकर हमें जो सत्कार किया गया है बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक बात मैं और कथन से बताना चाहती हूँ कि समाज तभी आगे जाएगा, राष्ट्र तभी आगे जाएगा जब शिक्षा का विद्यालय, विद्या का आलय मतलब शिक्षा का मंदिर आगे बढ़ेगा। आमतौर पर हम सोचते हैं कि शिक्षा देने से सब कुछ हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। जब हम ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो शिक्षा के साथ स्वास्थ्य और उसके साथ संस्कार, ये सभी आना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने
करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। यदि आप कोशिश करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। वाकई में आज यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि महानगर पालिका के जो शिक्षक हैं इतने वर्षों से 25-30 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। हम ही उनकी माता हैं। अपने घर में वो परिवार छोड़ के आते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जब वो शाला आते हैं तो वो हमें अपनी माता समझते हैं। छोटा सा बच्चा जब अपना घर का कदम छोड़ के शाला में आता है, उनको बड़ा कार्य करने का काम और 10वीं का रिजल्ट देने का काम हम महानगर पालिका के शिक्षक करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये वातावरण है जिन बच्चों को कहीं एडमिशन नहीं मिलता उन बच्चों को इस शाला में पढ़ा करके माँ बाप भी बहुत खुशी महसूस करते हैं जब उनका 100% रिजल्ट आता है। तो मुझे ऐसा लगता है विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान ये जो कार्य कर रहा है, कहते हैं ना कि पनिशमेंट के साथ रिवॉर्ड्स होना चाहिए और रिवॉर्ड्स आपको मोटिवेट करते हैं और जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आप उत्साह के साथ आगे काम नहीं कर पाएंगे। और जब हम आगे काम करेंगे, शिक्षक का मतलब ही होता है शिस्त्रप्रिय, क्षमाशील और कर्तृत्ववान। तो शिक्षक एक ऐसी भूमिका में रहता है जो अपने आप को बहुत आगे बढ़ाते हुए अपने विद्यार्थियों में अपने आप को देखता है, अपने गुणों को उसमें समन्वित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें क्या देखना है, हमें बच्चों के कौशल को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना है और इंटरनेशनल स्किल्स को, वहाँ की पढ़ाई को हमको NMC के बच्चों में लाना है। जब तक ये बच्चे पूरी दुनिया की पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक दुनिया एक सार नहीं होगी। बस इतना कहकर मैं अपना कथन समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। मराठी में कहते हैं कि ज्ञानासम नसे काही पवित्र दुसरी जगी, योग युक्त काय बघावे ते अंतरिस्वय। अज्ञानाकडून ज्ञानाच्या प्रकाशाकडे जर वाटचाल करायची असेल तर सर्वांनी शिक्षण घेणं हे गरजेचं आहे, असे कर्मवीर भाऊराव पायगोंडा पाटील इनका ये वाक्य है जो चरितार्थ होते हुए नजर आ रहा है। और शिक्षक लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छा शिक्षा का एक दालन खोला गया है और बच्चों को अच्छी पढ़ाई और उनका जो उद्देश्य है, उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि बिना शिक्षक के बिना कोई भी विद्यार्थी अपना जीवन नहीं बना सकता, क्योंकि शिक्षक ये भी एक माँ बाप माता पिता जैसा ही गुरु का दूसरा रूप है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरा, BCN न्यूज़ नागपुर।